गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है 27 जून और आज हमारे यहाँ है थोड़ा सा क्लाउडी मौसम, लेकिन काफ़ी अरसे से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था। यानी कुछ ही दिन हुए हैं जो बरसात हुई थी, यानी कि 15 दिन हो चुके हैं जब हमारे यहाँ बरसात हुई थी, तो उसके बाद से कोई बरसात का अता पता नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए जो है हमारे पॉट्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब फिर से बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है फ्रेंड्स, लेकिन आज हल्का सा क्लाउडी मौसम है तो हो सकता है यहाँ पे बरसात हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बस थोड़े से जो गार्डनिंग वर्क है वही दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर्सलिन और मॉस रोज तो बहुत ही बढ़िया से खिल चुके हैं फ्रेंड्स। जो छोटी छोटी मैंने पर्सलिन कटिंग लगाई थी वो भी बड़ी खूबसूरती से चल पड़ी हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ देख सकते हैं ये पर्सलिन जो है ये भी जो है फ्लावरिंग पे बहुत अच्छे आ गया है। और इधर भी देख सकते हैं कटिंग ये भी चल पड़ी है, और यहाँ पे भी मॉस रोज जो है बहुत बढ़िया से खिलना स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं, कुछ ही थोड़ा सा आपको अपडेट दे देती हूँ गार्डन का। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हैं जो गोबर की खाद, यानी कि ये जो गोबर के उपले होते हैं फ्रेंड्स, उसी को मैंने भिगो कर रखा है। यानी मैंने इसको रात को भिगोया था और मैं इसको आज के दिन भी ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। आप देख सकते हैं इसका लिक्विड किस तरह से तैयार हो गया है। तो मैं इसको कल आपको इसका अपडेट भी दूंगी, मैं किस तरह इसको डालती हूँ। तो मैंने इसके दो उपले डाले हैं, गोबर की जो काउडन होता है उसी का मैंने दो प्ले डाले हैं और लिक्विड खाद बनाकर रखा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको कल आपके साथ अपडेट शेयर करूंगी इसका भी। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक कटिंग लगाई थी जो कि मैक्सिकन पिटोनिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। देखिए कटिंग से ही तैयार हो चुका है और कितना फैल गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे सारे मैक्सिकन पिटोनिया हैं जो बहुत ही खूबसूरती से, देखिए कितने अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, और इसकी आप फ्रेंड्स जो फ्लावर सूख जाते हैं कुछ इस तरह से इसकी पिंचिंग करते रहें। अगर आप इसकी पिंचिंग करेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, अदरवाइज़ नहीं तो ये सीड बनाना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड्स। बहुत सारे सीड बनते हैं, अगर सीड बनते रहे तो फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट्स पर हैं फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डाइंथस भी है जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है अभी। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे जो इंग्लिश रोज़ है यानी कि पिंक कलर का, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। देखिए कितने सुंदर से इसकी जो है ब्रांचेस यानी नई शूट्स निकल रही हैं। देखिए, और यहाँ पर पर्पल हार्ट की कटिंग से देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा पॉट एक और तैयार हो चुका है। सिर्फ एक ही कटिंग लगाई थी मैंने, इससे पफ निकले हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा ये जो क्लाइमेट रोज़ है, देखिए फ्रेंड्स इसने दोबारा देखिए कितनी अच्छी शूटिंग निकाली है और बहुत ही बढ़िया से ये चलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही इसको बारिश का पानी मिला तो देखिए नई नई शूट्स जो है निकलना स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ अपराजिता का भी अभी कुछ भी नहीं पता फ्रेंड्स, हो सकता है मैं इसको शायद रिपोर्टिंग ही करना पड़े मुझे, क्योंकि ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो इसका मैंने कारण भी जाँच लिया है, इसका जो है रूट बाउंडिंग हो चुका है, इसको मैं रिपोर्ट करूंगी। तो चलिए मैं एक और पौधा दिखाती हूं आपको जो इसको मैंने रिपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हिबिस्कस भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ है फ्रेंड्स, ये मेरा मधुकामनी का पौधा है, लेकिन फ्लावरिंग तो कर रहा है लेकिन मुझे कुछ खास तसल्ली नहीं हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर जो है इसकी भी रूट बाउंडिंग हो चुकी है। देखिए काफ़ी बड़ी बाल्टी में लगा है, लेकिन मैं फिर भी इसको जब तक बारिश आती है फ्रेंड्स तो तब तक मैं इसको रिपोर्टिंग कर दूंगी, तो इसकी कटिंग भी कर दूंगी। तो इसकी उम्मीद करते हैं कि फिर से बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ललटाना भी बहुत ही खूबसूरत सा खिलना स्टार्ट हो चुका है। और इधर एक झलक मेरी बोगनवेला की भी देखें फ्रेंड्स, बोगनवेला में तो बहार आई हुई है, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर खिले हैं। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कुछ सीडलिंग की है, देखिए यहाँ पर ये सीड्स निकलना जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको 2-3 दिन तक फिर किचन गार्डन का अपडेट दूँगी, तब तक ये सारे बाहर आ जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
और एक नया पौधा लेकर आई थी मैं फ्रेंड्स, देखिए हिबिस्कस का, इस पर भी कलियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था इसमें कौन सा कलर है, कौन से फूल आएंगे। तो अब कली बनी है तो देखेंगे कौन सा फ्लावर आता है इसमें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कुछ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सोचा चलिए छोटा सा गार्डन का अपडेट दे दूं आपको, और कुछ ही छोटे छोटे अपडेट्स थे जो मैंने आपके दिए, और बाकी मैं आपका किचन गार्डन का अपडेट फिर से दूंगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं, गुड बाय।